तो आज हम बनाएंगे आलू की सब्जी जो बहुत ही जल्द बनकर तैयार होता है। मात्र 10 मिनट लगता है इसको बनाने के लिए और बहुत ही टेस्टी भी होता है। इस बनाने के सबसे पहले मैंने आलू को अच्छे से उबाल करके इसको छोटे छोटे पीसों में काट देना है। अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे आलू को इस तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। आप चाहे तो चम्मच से भी मिला सकते हैं, लेकिन मुझे हाथों से सुविधा लग रहा है इसीलिए हाथ से ही मैं अच्छे से इसको मिला लूँगी ताकि नमक और मसाले जो अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल गर्म करेंगे। 2 चम्मच मैं तेल ली हूँ। अभी जो आलू है उसको हम डाल देंगे और 3 से 4 मिनट इसको हम अच्छे से गर्म कर कर भून लेंगे इसको। आप देख सकते हैं कलर भी चेंज होने लगा है ये, इसको थोड़ा सा और हम भून लेंगे। अब ऐसे से भुना चुके आप देखो कितना अच्छा दिख रहा है ये। अभी बनाएंगे सबसे पहले हम थोड़ा सा सरसों तेल लेंगे, 3 से 4 चम्मच हमें सरसों तेल लेना है और थोड़ा सा उसमें गोटा जीरा डालेंगे, 2 हरी मिर्ची, आप चाहे तो सूखी मिर्ची भी डाल सकते हैं। अब 1 मीडियम साइज मैंने प्याज को अच्छे से बारीक से काट ली थी वो भी डाल देंगे इसमें। इसको हम कलर चेंज होने तक भूनेंगे। अब जब तक ये भुना रहा है तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हम दही लेंगे, ये घर का जमा हुआ दही है, थोड़ा पतला है, इसमें हम आधा बाउल हम दही लेंगे। और दही ना ज़्यादा खट्टा होना चाहिए ना मीठा होना चाहिए, ठीक ही दही होना चाहिए ताकि जो सब्ज़ी है वो स्वाद बहुत ही अच्छा है दही का, सब्ज़ी का। इधर मैंने आधा बाउल दही लेना है। अब इसमें थोड़ा सा मसाला हम डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे हम। तीखा आप खाने के अनुसार आप डालिए। अब अच्छे से इसको हम मिला लेंगे ताकि जो मलाई था दही में वो अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। इधर से अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इधर प्याज का कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं प्याज का चेंज हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए थोड़े चूल्हा बंद करें ताकि जो प्याज है वो ठंडा हो जाए, ताकि जब हम दही वाला मसाला डालें तो दही फटे नहीं, इसीलिए पहले हम प्याज को अच्छे से ठंडा कर लेंगे इस तरह से। अब जो दही का मसाला था वो हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से डालने से दही फटता नहीं है और सब्जी का जो कलर होता है ग्रेवी बहुत ही टेस्टी होता है इस तरह से बनाने से। अब जब भी दही डालें दही वाला मसाला तो तेल को ठंडा करने के बाद ही दही डालें ताकि दही फटे नहीं। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे, तब तक भूनेंगे जब तेल छोड़ना दे मसाले से। ऐसे चलाते रहना है ताकि दही चिपके नहीं और जले भी नहीं। इस वजह से अब इसे तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। मसाला चिपके नहीं ताकि बीच बीच लाते रहना है। अब ये मसाला भी भुना रहा है अच्छे से, देख सकते हैं कितना अच्छे से कलर आ रहा है और तेल भी छोड़ने लगा है ये। इसे तो बना के ट्राई जरूर कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत जल्द बन के तैयार भी होता है, बिल्कुल झमेला नहीं होता है ये सब्जी बनाने में। जब कुछ समझ ना आए कि हम क्या बनाएं, इस तरह से आलू का सब्जी जरूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी होगा। और मसाले भी अच्छे से भुना चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा मसाला भुना चुका है। अब जो आलू था हमने भून कर रखे थे वो हम इसमें हम डाल देंगे।
इसको जैसे चला लेंगे, एक मिनट भी नहीं रहेगा, थोड़ा कम ही इसको चला लेंगे सब से, ताकि आलू और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें ग्रेवी के लिए हम आधा गिलास पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। इसे से आलू का चिकन मिला लेंगे मसाले के साथ ग्रेवी। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब याद रखना है कि मैं आलू में भी नमक डाली थी, उसी अनुसार से हम ग्रेवी में भी हम नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और एक से दो मिनट ही पकाना, ज़्यादा टाइम नहीं, ज़्यादा इसको नहीं पकाना है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, इसको भी अच्छे से हम मिला लेंगे मसाले को। अब इसको हम एक से दो मिनट इसको ढक कर पका लेंगे। अब देखो तो ग्रेवी कितना अच्छा से हुआ है। अब देखो तो सब्जी बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। रोटी पराठा पूरी आप किसी के साथ भी सब्जी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। अब प्लेट में निकाल के दिखा देते हैं कितना अच्छा दिख रहा है ये सब्जी। जब कोई गेस्ट है तब भी आप बना के खिला सकते हैं, ये दही वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब ये दही वाला आलू बनकर तैयार हो चुका है, देख सकते कितना अच्छा दिख रहा है। जितना अच्छा दिख रहा है उतना ही टेस्टी सब्जी भी है। एक बार ट्राई जरूर कीजिए बना करके।